क्वेश्चन नंबर 23 पर एक्सरसाइज 6.5 के हमारा क्वेश्चन है, हमें ये शो करना है जो वॉल्यूम है किसका कौन का वो लार्जेस्ट है, क्या है, मैक्सिमम है। कब, जब ये किसके अंदर है, इंस्क्राइब है किसके अंदर, स्फीयर के अंदर, और इस स्फीयर की रेडियस क्या है, आर, ये आर इस स्फीयर की रेडियस है, इसके वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के, ठीक है। कह रहा है जो वॉल्यूम ऑफ कौन होगा, क्या होगी, 8/27 होगी किसके, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर के। तो ये हमें प्रूव करना है, करते हैं, सबसे पहले वॉल्यूम को लार्जेस्ट दिखाते हैं। तो हमने यहाँ डायग्राम बना लिया है, ये क्या है हमारे पास कोन और इंस्क्राइब है स्फीयर के अंदर, ये क्या है कोन की रेडियस और ये क्या है कोन की हाइट, और ये रेडियस कैपिटल आर है किसकी, स्फीयर की। तो हमने आर और एच क्या माना है, रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कोन, और आर क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन आपको मैक्सिमम दिखाना है, वो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ अ कोन, वी इक्वल्स टू 1/3 πr² h। तो इधर से देखिए हाइट ऑफ अ कोन क्या हो जाएगी, ये टोटल, ये क्या है टोटल, दैट मीन्स ये किसके इक्वल हो जाएगी, आपकी जो हाइट है वो क्या हो जाएगी ए बी प्लस में ये भी क्या है एक तरफ से कैपिटल आर है, ये स्फीयर की रेडियस है, क्या ए डी प्लस ए बी, ए डी प्लस ए बी, ए डी क्या है रेडियस ऑफ अ स्फीयर और ए बी क्या है, ठीक है। अब देखिए हाइपोटेनस क्या है, आर, आर का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर निकालते हैं यहाँ से क्या होगा आर स्क्वायर, इस आर को वहाँ ले जाते हैं स्मॉल को, तो ए बी क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये आ चुके हैं ए बी, ए बी की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी है, ठीक है। नाउ अब देखते हैं हम वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 πr² h, h क्या थी आपकी, ये हमने यहाँ रख दी है, इसके एक बार इससे मल्टीप्लाई फिर इसके इससे, तो आपके पास ये आ जाएगा। अब हमारे पास एक ही वेरिएबल है r, जिसके विद रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव कर सकते हैं क्योंकि हमने h को भी r में कन्वर्ट कर लिया था। तो देखिए dv/dr क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव 2 आगे आएगा, ठीक है, r एक पावर कम हो गई क्योंकि स्मॉल r और h पर डिपेंड है क्या, कोन, कोन का मैक्सिमम एरिया दिखाना है, तो कैपिटल r कांस्टेंट हो गई, क्यों, क्योंकि ये तो रेडियस थी किसकी, स्फीयर की। तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव r स्क्वायर का क्या होगा, 2r, 2 आगे लिख दिया, r ये रहा, ये आ जाएगा आपके। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, u इंटू v लगाएंगे, पहले इस पर फिर इस पर, ये एज इट इज लिखा है, ये एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, हाफ हाफ आएगा क्योंकि पावर हाफ है, इस वन हाफ पावर में से 1 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव 0 और माइनस r स्क्वायर का क्या होगा, 2r। अब क्या करते हैं, ये कांस्टेंट ले ली, इसका डेरिवेटिव करेंगे, आर स्क्वायर है क्या बनेगा, 2r और π/3 एज इट इज। अब देखिए ये एज इट इज हो गया, ये एज इट इज, इसको सोल्व किया, 2 से 2 कट कर दिया, ये आ गया आपके पास। अब इन दोनों का क्या ले लेते हैं एलसीएम, ये हाफ है, हाफ है तो कितनी पावर हो गई, 1। तो देखिए ये एज इट इज, ये 2π/r 3 दोनों के पास है, 3 लिख दिया, इसके पास ये नहीं था, इससे मल्टीप्लाई हो गया, हाफ ऑफ पावर क्या हो गई, 1 और πr³ एज इट इज, ठीक है। नाउ ये एज इट इज हो गया, अब ये 2πr² मल्टीप्लाई कर लिया और सोल्व करके हमारे पास ये आ गया। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, क्या होगा इस r का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 क्या रहेगा, 2/3 πR। इधर लगाते हैं u/v, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, अब ऊपर वाले का डेरिवेटिव, इस आर का डिफरेंशिएशन 1, बाकी सभी कांस्टेंट है तो 2π R² रह गया। अब इसका डिफरेंशिएशन आर क्यूब है तो क्या बनेगा, 3R² 3×3=9, 9R² अब ये एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन वैसे लेंगे जैसे हमने यहाँ लिया था, तो यह कैंसिल होकर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखिए अब हमें क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो dv/dr को क्या पुट करेंगे, 0, इसको 0 रखो, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास 0 और ये आ गया, ठीक है। अब क्या किया, इधर से पाई कॉमन लिया और कट कर दिया, तो 2/3 भी कॉमन ले लेंगे, ठीक, 3 कॉमन ले लेंगे, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई क्या हो जाएंगे कैंसिल, 1 r से r हो जाएगा कैंसिल, तो ये रह जाएगा हमारे पास, और ये इसके साथ यहाँ आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर, ये एज इट इज रह जाएगा। तो अब इससे आगे हम सोल्व करते हैं,
ओके फिर हमने स्क्वेयरिंग कर दिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया a माइनस बी का होल स्क्वेयर लगाएंगे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए। अभी क्या हुआ ये इससे कैंसिल हो गया ठीक है। अब हमारे पास कितना रह जाएगा इसको वहाँ शिफ्ट कर देते हैं प्लस का एट रह जाएगा और इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा नाइन आर स्क्वेयर एट आर स्क्वेयर आर स्क्वेयर आर स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ से हमारे पास ये आ गई क्योंकि दो हमारे कैंसिल हो गए। तो आर स्क्वेयर क्या है एट बाई नाइन आर स्क्वेयर। इस आर स्क्वेयर की वैल्यू अगर हम डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो लेस देन जीरो आ जाएगा नेगेटिव दैट मीन्स वॉल्यूम क्या हो जाएगा कोन का मैक्सिमम। अब आर स्क्वेयर हमारा ये था हाइट हमारी ये आई थी। अब इस आर की स्क्वेयर की वैल्यू को ये रख देते हैं इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास फोर बाई थ्री आर आ जाएगा। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ आ कोन क्या है वन बाई थ्री पाई आर स्क्वेयर एच। आर क्या है आर स्क्वेयर ये है एच क्या आया था अभी अभी निकाला है पुट करेंगे यहाँ से ये फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब किसका एरिया है एरिया ऑफ वो वॉल्यूम ऑफ आ स्क्वेयर किसका वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ आ स्क्वेयर और एट बाई ट्वेंटी सेवन। तो क्या दिखा रहे हैं हमने वॉल्यूम ऑफ आ कोन किसके बराबर है एट बाई ट्वेंटी सेवन ऑफ आ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यही आपको शो करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 24 वी हैव टू शो दैट कोई राइट सर्कुलर कोन गिवन है और उसका कर्व सरफेस एरिया हमें लिस्ट दिखाना है। क्या दिखाना है लिस्ट मतलब पॉजिटिव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव गिवन उसका वॉल्यूम है और एल्टीट्यूड को हाइट को हमें क्या दिखाना है रूट टू टाइम ऑफ रेडियस रूट टू टाइम ऑफ रेडियस। तो देखिए आर और एच हमने रेडियस और हाइट मान ली है कोन की वॉल्यूम हमारा ये होता है वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो हमने यहाँ से हाइट की वैल्यू निकाल ली इन द फॉर्म ऑफ आर। सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल एल क्या होता है स्क्वेयर रूट आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर एच की वैल्यू यहाँ से पुट करी और इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आ गया। फिर हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ऑर्डर लिया विद रिस्पेक्ट टू आर ठीक है डिनोमिनेटर का स्क्वेयर फिर क्या डिनोमिनेटर एज इट इज इसका डिफ्रेंशिएशन लेंगे फिर माइनस का साइन ये एज इट इज और वन बाय आर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा माइनस वन बाय आर आर नहीं अब क्या लेना था आर का डिफरेंशिएशन वो क्या होगा वन। सोल्व करेंगे सोल्व करके हमारे पास ये आ जाएगा फिर इसको जीरो रखेंगे तो हमारे पास यहाँ आर सिक्स की वैल्यू आ जाएगी ठीक है। अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे और वो क्या होगा आपका ग्रेटर देन जीरो तभी तो मिनिमम आएगा कब जब आर सिक्स आपके पास ये था। अब हाइट क्या थी ये यहाँ से आर सिक्स के आर स्क्वेयर की वैल्यू रख देंगे यहाँ से आर स्क्वेयर की वैल्यू निकाल लेंगे और इसके अंदर पुट कर देंगे आर स्क्वेयर की वैल्यू क्या आएगी अगर हम यहाँ क्यूब रूट करते हैं क्या करते हैं क्यूब रूट तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू रख लिया और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास एच क्या आएगा एच इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट टू आर। तो हाइट क्या आ गई स्क्वेयर रूट टू टाइम ऑफ आर।